हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस नए वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सभी लोगों को पता था कि गवर्नमेंट के द्वारा काफी दिनों से बताया जा रहा है कि राशन कार्ड की ई केवाईसी करवाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको बता दें कि राशन कार्ड की ई केवाईसी की डेट 30 जून 2024 तक रखी गई थी, लेकिन बहुत से ऐसे लाभार्थी हैं जिन्होंने अभी तक केवाईसी नहीं करवाई है, तो गवर्नमेंट ने इनको एक और अच्छा मौका दे दिया है। इसकी डेट जो 30 जून बढ़ाकर 30 सितंबर तक कर दी गई है, यानी कि अगर अभी तक आप लोगों ने राशन कार्ड की ई केवाईसी नहीं करवाई थी तो इसकी डेट 30 सितंबर तक कर दी गई है। आप 30 सितंबर तक इस ई केवाईसी करवा सकते हैं। यहाँ पर हम बात करते हैं राशन कार्ड की ई केवाईसी कैसे होगी और किसके लिए ई केवाईसी जरूरी है, और ई केवाईसी नहीं करवाने पर क्या नुकसान है, ऑफलाइन या ऑनलाइन कैसे आपको ई केवाईसी करवानी है। सबसे पहले बात कर लेते हैं राशन कार्ड की ई केवाईसी कैसे होगी। यहां पर आप दो तरीकों से ई केवाईसी करवा सकते हैं, पहला ऑनलाइन, दूसरा ऑफलाइन। ऑनलाइन करने के लिए राशन कार्ड और आधार कार्ड की कॉपी मुखिया की होनी चाहिए, साथ ही साथ जितने भी यूनिट जुड़े हों उन सभी के आधार कार्ड की कॉपी होना चाहिए, और यहां पर उसकी एक बैंक पासबुक मुखिया की होनी चाहिए। यहां पर हम बात कर लेते हैं कि किसके लिए जरूरी है ई केवाईसी। यहां पर राशन कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो अनाज आपको लेने के लिए सबसे पहले केवाईसी जरूरी है। अगर किसी कारणवश जिसमें यूनिट जुड़े हों, यानी कि राशन कार्ड में जितने भी यूनिट जुड़े हों उनमें से किसी की शादी हो गई है तब भी आपको केवाईसी जरूरी है, या फिर किसी बच्चे का जो आधार कार्ड था 5 साल का वैलिड होता है उसके बाद में वो रिजेक्ट हो गया है, इसमें से नाम हट गया है, उसके लिए जरूरी होता है, या फिर किसी की डेथ हो चुकी है इसके लिए यहाँ पर जरूरी है। डेथ होने की स्थिति में ये होता है, गवर्नमेंट चाहती है कि जिसकी डेथ हो चुकी है उसका नाम उसमें से हटा दिया जाए, और जिसकी शादी हो गई है उसका नाम हटाने के बाद आप दूसरा अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ई केवाईसी नहीं करवाने पर नुकसान क्या है। केवाईसी न करवाने पर आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे, यानी कि आपका जो राशन कार्ड है वो बंद हो जाएगा तो आपको राशन नहीं मिलेगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं ऑफलाइन अगर हम बनवाते हैं तो उसमें क्या जरूरी है। डॉक्यूमेंट में आपको आधार कार्ड, एक फोटो और एक फॉर्म हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है लिंक, उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, और अपने स्टेट में आपको आधार कार्ड मेंशन करके, राशन कार्ड मेंशन करके, बैंक पासबुक मेंशन करके आपको अपने आवंटन करने वाले दुकानदार को देना है, या फिर अपने तहसील में बैठे हुए फूड इंस्पेक्टर को देना है। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि अगर इसका स्टेटस देखना चाहें ऑनलाइन तो यहाँ पर आपको सर्च करना है राशन कार्ड ई केवाईसी स्टेटस चेक। इतना लिखकर जैसे ही सर्च करेंगे तो सबसे फर्स्ट में आपके सामने एक लिंक आ जाएगी वेबसाइट का, उस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं चेक केवाईसी स्टेटस का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है और यहाँ पर चेक स्टेटस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं योर कार्ड इज एक्टिव और यहाँ पर केवाईसी डन का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसी तरीके से जिसमें केवाईसी नहीं हुई है उसको हमको डालना है और चेक स्टेटस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे डेमो ऑथेंटिकेट नॉट डन और यहाँ पर ई केवाईसी नॉट डन का ऑप्शन आ रहा है। अब सिंपल से आपको क्लिक हियर टू केवाईसी का ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना राशन कार्ड नंबर फिल कर देना है और सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जितनी भी आधार कार्ड की डिटेल थी, जैसे कि उसका नेम, फादर नेम और आधार कार्ड नंबर, मोबाइल नंबर, और यहाँ पर देख सकते हैं वो बताया जा रहा है कि आधार कार्ड लिंकिंग स्टेटस का स्टेटस भी दिखा रहा है, यानी कि आधार कार्ड तो आपके राशन कार्ड में लिंक है लेकिन इसकी ई केवाईसी रिक्वायर्ड है, आपकी ई केवाईसी नहीं हुई है। तो सिंपल से यहाँ पर आपको दो ऑप्शन दिख रहे होंगे, लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर का, और यहाँ पर सीड मोबाइल नंबर ओनली। यहाँ पर आप मोबाइल नंबर और आधार कार्ड को दोनों को लिंक कर सकते हैं या फिर आप अपने मोबाइल नंबर को भी लिंक कर सकते हैं। तो सिंपल से हमको लिंक आधार एंड मोबाइल नंबर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना आधार कार्ड नंबर को जो है फिल कर देना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे आपके नंबर से ओटीपी आई होगी, उस ओटीपी को इसमें फिल कर देना है और सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपकी कुछ डिटेल आ जाती है, जैसे कि नेम, आपके फादर का नाम और डीओबी, डिस्ट्रिक्ट और पिन कोड। यहाँ पर इतनी डिटेल आने के बाद आपको वेरीफाई एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक पॉपअप आ जाता है कि लिंक मोबाइल नंबर और यस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके जो मोबाइल नंबर होगा उस नंबर को यहाँ पर फिल कर देना है और सेंड ओटीपी वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को इसमें फिल कर देना है और वेरीफाइड एंड सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने एक पॉपअप आया है, मोबाइल नंबर लिंक्ड सक्सेसफुल का ऑप्शन आ चुका है, इसको आप ओके करेंगे। और यहाँ पर आप देखेंगे आप फिर से एक बार होम पेज पर आएंगे, यहाँ पर आपको अपने राशन कार्ड नंबर को फिल कर देना है, सर्च वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपके सामने जो हमने देखा था अभी डेमो ऑथेंटिकेट और ई केवाईसी नॉट डन का ऑप्शन था, अब वो यहाँ पर डन हो चुका है, यानी कि आपकी जो केवाईसी है वो सफलतापूर्वक हो चुकी है। आप यहां से भी आप ऑनलाइन तरीके से अपना ई केवाईसी कर सकते हैं। बहुत से ऐसे स्टेट हैं जिसमें अभी तक ऑनलाइन तरीके से जो ई केवाईसी है वो स्टार्ट नहीं हुई है, तो जिन स्टेटों में नहीं हुई है उसके लिए मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उसके माध्यम से आप एक
फॉर्म को डाउनलोड करेंगे, उसमें डिटेल्स भरने के बाद आपको अपने आधार कार्ड को एक फोटो को चिपका देना है और अपनी बैंक पासबुक को लगाकर आप अपने दुकानदार को दे सकते हैं या फिर आप तहसील में बैठे हुए फूड इंस्पेक्टर को दे सकते हैं। इस तरीके से आप अपनी ई KYC कर सकते हैं। आई होप वीडियो आप लोगों को काफी पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं किसी ऐसे ही वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।